हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। लेकिन अब हम अपने दर्शकों को बता देते हैं कि कुल टैली यानी 70 विधानसभा सीटों पर पहले वोट शेयर क्या रहा, किस पार्टी को कितना वोट शेयर और उसके बाद वो वोट शेयर कैसे सीटों में कन्वर्ट हुआ, वो हम अब आपको कुतुब मीनार आपके सामने आ गया है। देश की आन बान शान, दिल्ली की आन बान शान, तो आम आदमी पार्टी पहले नंबर पर दिखाई दे रही है 50% वोटिंग परसेंटेज के साथ, बीजेपी 36% वोटिंग परसेंटेज के साथ नंबर टू पर, और कांग्रेस की तो खैर बात ही करना बेकार है, लग रहा है तक उसने तो चुनाव प्रचार के दौरान ही हार मान ली थी, और 9% उनको वोटिंग परसेंटेज जाता हुआ कांग्रेस को दिखाई दे रहा है। अब ये वोटिंग परसेंटेज जब सीट्स में बदलेगा तो क्या आंकड़ा निकल कर आएगा, ओवरऑल टैली क्या है, वो भी हम आपको दिखा देते हैं अपने दर्शकों को। अभी तक ये वोट परसेंटेज आपके सामने टीवी स्क्रीन्स पर है, जो एकदम साफ साफ कह रहा है कि आम आदमी पार्टी 7 लोकसभा सीट यानी 70 की 70 विधानसभा सीट पर एक बड़े बहुमत के साथ सरकार दोबारा यानी केजरीवाल 2 दोबारा शुरू हो सकता है। तो 7 लोकसभा इलाकों में आपने देखा कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच का अंतर बहुत बड़ा है, तो 11 फरवरी का इंतजार है। और अब कुतुब मीनार फिर आपके सामने है, सीट्स देख लेते हैं हम कि ये जो वोटिंग परसेंटेज जो कि 50% से ज्यादा आम आदमी पार्टी को जाता दिखाई दे रहा है, लीजिए 49 से 63 सीटें यानी 67 सीटों से कम तो होती हुई दिखाई दे रही है सीटें, लेकिन क्लियर कट बहुमत दिखाई दे रहा है आम आदमी पार्टी को जाता हुआ। बीजेपी के खाते में 5 से 19 सीटें जा रही हैं और कांग्रेस के खाते में 0 से 4 यानी रूबिका। अब ये फाइनल आंकड़ा, फाइनल टैली हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, और इस समय की बड़ी खबर यही है जो कि आंकड़े साफ साफ एग्जिट पोल के दिखा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी क्लियर स्वीप दिल्ली में कर रही है। ऐसा लग रहा था प्रचार के दौरान कि बीजेपी ने बहुत टक्कर दी है आम आदमी पार्टी को, लेकिन ये लड़ाई आंकड़े जब निकलकर एग्जिट पोल के सामने आ रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल एक तरफा है। 49 से 63 सीटें पिछले 2015 के चुनाव में 67 सीटें आम आदमी पार्टी ने जीती थी, कांग्रेस अपना खाता भी नहीं खोल पाई थी, तो लगभग इस बार भी वही स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। 49 से 63 सीटें आम आदमी पार्टी, 5 से 19 सीटें बीजेपी के खाते में जाती दिखाई दे रही है और कांग्रेस के खाते में 0 से 4। तो साफ हो जा रहा है कि केजरीवाल एक बार फिर से सत्ता की कुर्सी पर काबिज होंगे 7 लोकसभा इलाके में, आम आदमी पार्टी को बढ़त। तो रूबिका, आम आदमी पार्टी तो आज बड़ी रिलैक्स हो गई होगी, क्योंकि बीच में जब शाहीन बाग का मुद्दा गरमाया था तो ऐसा लग रहा था कि अरविंद केजरीवाल की हवाइयां उड़ने लगी थी, और ऐसा भी उन्होंने किया कि वो बीजेपी की पिच पर आकर बैटिंग करने लगे थे, शाहीन बाग के बारे में बयान देने लगे थे। रूबिका, बात यहां पर आकर अटक गई थी कि ये जो कांग्रेस एक जगह साइड में बैठ गई है, बीजेपी जो आने की कोशिश कर रही है, इस जीत को कहीं ना कहीं टफ बना रही है, वो किस हद तक टफ बनाएगी, और ये साफ तौर पर इस वक्त दिखाई दे रहा है। ये हमेशा से क्लियर था, ओपिनियन पोल इस तरफ इशारा कर रहे थे, 3 महीने से जो हमारा ट्रैकर सी वोटर्स का लगा था वो साफ तौर पर ये इशारा कर रहा था कि सरकार तो लगभग बन रही है, लेकिन वो तगड़ी फाइट कितनी दे पाएंगे, और वो दिख गया है। न्यूज चैनल इतिहास की सबसे बड़ी सीरीज प्रधानमंत्री सीरीज 2 शनिवार रात 10 बजे।